खाद्य सुरक्षा विभाग ने जहां त्योहारों के समय पर जिला सोलन में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई, वहीं विभाग अब सोलन जिला वासियों को कोई मिलावटी खाद्य सामग्री न बेच सके इसके लिए प्रयासरत है। विभाग लगातार जिला सोलन में चल रहे विभिन्न उपक्रमों से सैंपल उठा रहा है और अगर सैंपल में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त LD ठाकुर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि FSSAI के दिशा निर्देशों के अनुसार खाद्य सामग्री पर आवश्यक नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति बाजार से खाद्य सामग्री खरीद रहा है वे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर ना करे और उसे बाजार से स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक सामग्री ही मिले। अधिक जानकारी देते हुए LD ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा शिकायत के आधार पर भी कुछ सैंपल उठाए गए हैं और कुछ उद्योगों से उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल के सैंपल भी उठाए हैं, जिसमें से 3 सैंपल फेल हो चुके हैं। उस पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे बैठे जूस वेंडरों पर भी शिकायत के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। उनकी मशीनों को विभाग द्वारा अनियमितताएं पाने पर जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ तंबाकू उत्पादों के भी सैंपल विभाग द्वारा भरे गए हैं और उन्हें निरीक्षण के लिए लैब भेजा गया है। वहां से रिपोर्ट आने पर अगर सैंपल गलत पाए गए तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के सैंपल टाइम टू टाइम लेते रहते हैं और अब भी हमारे को एक दूध का सैंपल लिया था, वो भी कंप्लेंट बेस था, वो पास हो गया, काउज मिल्क था। साथ ही 3 न्यूट्रास्यूटिकल के सैंपल थे और वो मिसब्रांडेड आए हुए हैं, तो उसमें हमने नोटिस इशू कर दिए। साथ ही अब जो बाहर से लोग सड़क के किनारे जूस शॉप्स खोल के बैठे हैं, उनकी भी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उसको भी इंस्पेक्शन किया है शॉप का और जो उनकी मशीन्स हैं उनको भी सीज किया है। उसके साथ ही कुछ कंप्लेंट थी कि टोबैको प्रोडक्ट जो प्रोहिबिटेड है वो भी 2 दिन पहले सीज किए हैं और एनालिसिस के लिए भेज दिए हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी फर्दर कार्रवाई।